कुछ महीनों पहले तक जो महिलाएं आजादी से अपना जीवन यापन कर रही थी, उन्हें अब पढ़ाई भी हिजाब पहनकर करनी होगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, तालिबान ने नया फरमान जारी किया और जिसके तहत अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज जाने वाली हर लड़की को हिजाब पहनना होगा। और इस पूरे मामले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तालिबान में अब स्कूल की छात्राएं हिजाब पहनेंगी। जी हाँ, तालिबान ने बताया है कि अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों को जेंडर के आधार पर अलग कर दिया जाएगा, साथ ही इन संस्थानों में नए इस्लामी ड्रेस कोड की शुरुआत की जाएगी। देश के नए शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने पत्रकारों को बताया कि देश में सह शिक्षा यानी कि लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने की अनुमति कतई नहीं मिल सकती। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की समीक्षा करने का भी ऐलान किया। तालिबान के पहले कार्यकाल के दौरान 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं और लड़कियों के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तालिबान शासन ने उच्च शिक्षा नीति की घोषणा देश के राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराने के बाद एक दिन बाद की, जो उनके शासन के शुरू होने का संकेत था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि नई नीति अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के पहले से ही लागू शिक्षा नीति से काफी अलग है। पहले देश के विश्वविद्यालयों में सह शिक्षा को मंजूरी मिली हुई थी, जहाँ पुरुषों और महिलाओं को एक साथ पढ़ने की अनुमति थी और छात्राओं को ड्रेस कोड का भी पालन करना पड़ता था। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री हक्कानी ने को एजुकेशन खत्म करने के फैसले को लेकर अफसोस का कोई भी भाव दिखता नजर नहीं आया। उन्होंने कहा, हमें सह शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में कोई समस्या नहीं, लोग मुसलमान हैं और वे इसे स्वीकार कर लेंगे। वहीं कुछों का कहना है कि नए नियमों से महिलाएं शिक्षा से दूर हो जाएंगी, क्योंकि विश्वविद्यालयों में अलग कक्षाएं संचालित करने से पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाएंगे। हालांकि हक्कानी ने जोर देकर कहा है कि महिला शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है और जहां उनकी कमी है वहां दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे। हक्कानी ने कहा कि यह सब विश्वविद्यालय की क्षमता पर निर्भर करता है। हम पर्दे के पीछे से पढ़ाने के लिए पुरुष शिक्षकों या टेक्नोलॉजी का भी सहयोग ले सकते हैं। देश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों और लड़कों को अलग अलग शिक्षा दी जाएगी। यह रूढ़िवादी अफगानिस्तान में पहले से ही एक आम चलन था। अब छात्राओं को हिजाब भी पहनना होगा। हालांकि हक्कानी ने ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या हेड स्कॉर्प लगाने तक सीमित होगा या फिर पूरे चेहरे को भी ढकना अनिवार्य होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की समीक्षा की जाएगी। तालिबान वाजिब और इस्लामी पाठ्यक्रम बनाना चाहता है जो हमारे इस्लामी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक मूल्यों के अनुरूप हो। दूसरी ओर ये अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो। उच्च शिक्षा की नई नीति की घोषणा कल काबुल के शहीद रब्बानी शिक्षा विश्वविद्यालय में महिलाओं द्वारा तालिबान की लैंगिक नीतियों के समर्थन में किए गए प्रदर्शन के बाद की गई। आपको बताते चलें, प्रदर्शन में शामिल होने वाली सैकड़ों महिलाओं में से अधिकांश ने काले नकाब पहने थे और हाथों में तालिबान के झंडे पकड़े हुए थे। प्रदर्शन के दौरान तालिबान के नए शासन की तारीफ करने वाले भाषण हुए और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वालों की जमकर आलोचना की गई। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।